डिपार्टमेंट की टीम इस समय आई है, फेमस मानसरोवर की फेमस शॉप है, आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ना सिर्फ सेहत के साथ खिलवाड़ बल्कि लोगों को एक बड़े खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। ये फ्रूट्स जो है डीप फ्रिज में रखे हुए हैं, आप देखेंगे कि पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं और लोग आते हैं बहुत जूस पीने के लिए, और जूस पीने के लिए आते हैं तो उनकी सेहत जो है वो ख़राब भी हो सकती है। और ये इस समय हमारे साथ फूड डिपार्टमेंट की टीम है जो लगातार जो है कार्रवाई कर रही है। फूड डिपार्टमेंट की तमाम जो टीमें वो आई है और एक एक जो चीज़ है वो यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि किस तरह से एक्सपायरी डेट और तमाम चीज़ें जो है वो एक्सपायरी हो चुकी है। और ये देखिए जो पंकज ओझा सर है वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ पर चेक किया जा रहा है। पंकज ओझा सर से हम बातचीत करेंगे। सर, आज किस तरह की सूचना मिली, लगातार आपकी टीम लगातार रेड मार रही है, किस तरह से लोगों की सेहत को बचाया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राजस्थान में अभियान चल रहा है शुद्ध आहार मिलावट पर वार, जिसमें हमारे उच्च अधिकारी जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, ACS मेडिकल एंड हेल्थ है, कमिश्नर साहब हैं, उनके निर्देश पे सारा चल रहा है उनके नेतृत्व में। तो हम आम जनता की सेहत से जुड़ी हुई जितनी भी खाद्य प्रतिष्ठान है, जूस सेंटर है और मावा पनीर नकली तेल घी सब पे काम कर रहे हैं। अभी भी आप ये देखेंगे किस तरह से स्टोर किया हुआ है, कोई टैगिंग नहीं है और ये पूरी आपको काली फंगस यहाँ पर दिखेगी जो कि बहुत ही डेंजरस है। और ये गोदाम है, इसमें ना पेंट है ना कलर है, पीछे जंग लगी अलमारियाँ हैं, जालियाँ हैं जी सर। ये फूड लाइसेंस की शर्तों के विपरीत है ये सारा। सर, क्या क्या अनियमितता पाई गई, मतलब ये तो एक्सपायरी हो ही गई, ख़राब हो ही गई, इसके अलावा इसमें जूस में शेक में रंग मिला रहे हैं। ओके सर। आपको हरा चाहिए तो हरा रंग, आपको गुलाबी चाहिए तो गुलाबी रंग है, तो इस तरह के रंगों का ये यूज कर रहे हैं। इसके अलावा मिल्क आइसक्रीम जो शेक में यूज होनी थी, उसके बजाय फ्रोजन फैट डेसर्ट है जिसमें पाम ऑयल और सीसम ऑयल है जो आपको पोषण नहीं देगा। मतलब आपको जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी चाहिए जिस वजह से आप जूस पी रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है उससे नुकसान भी हो सकता है। मतलब डायरेक्ट टिकट है सर हॉस्पिटल का, मैं भी बाकी तो डॉक्टर्स ही बताएंगे इस बारे में जी सर। तो बिल्कुल, ये पंकज सर है और आप देखेंगे किस तरह से स्ट्रॉबेरी है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और बहुत भारी अनियमितता यहाँ पर पाई गई है। और कह सकते हैं कि लोगों की सेहत से यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, तो लोगों की सेहत बचाने की कोशिश है और फूड डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रही है। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर।